फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन में रोटरी इंटरनल कंबक्शन इंजन। इसको हम गिनोम इंजन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम देखेंगे रोटरी इंटरनल कंबक्शन इंजन क्या होता है। देखो, रोटरी कंबक्शन इंटरनल कंबक्शन इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो इंटरनल कंबक्शन इंजन होता है, जिसको हम हिंदी में आंतरिक दहन इंजन बोलते हैं। ये आंतरिक दहन इंजन होता है, इसके इंटरनली पार्ट में दहन होता है और इसके अकॉर्डिंग इसलिए वर्क करता है। ये इंटरनल कंबक्शन इंजन के आधार पर होता है ये। और इसमें क्या होता है, कंबक्शन चैम्बर और सिलेंडर एक शाफ्ट के अकॉर्डिंग, ड्राइविंग शाफ्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ये घूमता है, रोटेट कर चारों तरफ घूमता है। और इसमें क्या होता है, गैस प्रेशर और कंबक्शन का इस्तेमाल करके रोटेट के द्वारा, शाफ्ट के द्वारा इसका इस्तेमाल करता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वार फर्स्ट में इसका एयरक्राफ्ट के में इसका इस्तेमाल किया था। तो रोटरी जो इंटरनल कंबक्शन इंजन होता है, जिसको गिनोम इंजन के नाम से जानते हैं, ये एक आंतरिक दहन इंजन है जिसमें दहन कक्ष और सिलेंडर एक निश्चित नियंत्रण शाफ्ट के चारों ओर संचालित शाफ्ट के साथ घूमते हैं। जो एक संचालित शाफ्ट होते हैं उसके चारों तरफ ये घूमते हैं, जिसमें पिस्टन को चिपकाए जाते हैं और दहन के गैस के दाब के उपयोग के शाफ्ट को घुमाया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो होता हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध के विमानों में शुरुआती रोटरी इंजनों का इस्तेमाल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके जो विमान था उसमें इसका इस्तेमाल हुआ था, रोटरी इंटरनल कंबक्शन इंजन का। इसका डायग्राम के साथ समझेंगे इसको, इसको इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रोटरी इंजन, इंटरनल कंबक्शन इंजन इन विच द कंबक्शन चेम्बर्स एंड सिलेंडर्स रोटेट विद ड्राइवर शाफ्ट अराउंड अ फिक्स्ड कंट्रोल शाफ्ट टू विच पिस्टन्स आर अफेक्स्ड द गैस प्रेशर्स ऑफ कंबक्शन आर यूज्ड टू रोटेट द शाफ्ट। अर्ली रोटेट रोटरी इंजन्स वेयर यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एयरक्राफ्ट। मतलब जो रोटरी इंटरनल कंबक्शन इंजन है वो एक इंटरनल कंबक्शन इंजन है जो कि जिसका कंबक्शन चैम्बर और सिलेंडर जो कि एक ड्राइवर शाफ्ट के अकॉर्डिंग अराउंड ये चारों तरफ ये घूमता है। और इसमें क्या होता है, जो पिस्टन होते हैं, पिस्टन आपस में चिपकाए जाते हैं, जिसके द्वारा आंतरिक दहन के द्वारा इस इंजन का उपयोग किया जाता है। इसमें जो हमारे पास सिलेंडर और कंबक्शन चैम्बर होती है, ये चारों तरफ एक ड्राइवर शाफ्ट के अकॉर्डिंग रोटेट करते रहते, घूमते रहते हैं। इसको इसलिए हम इसको रोटरी इंटरनल कंबक्शन इंजन बोलते हैं। इसका इस्तेमाल पहली बार वर्ल्ड बार फर्स्ट जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसको डायग्राम के रोटरी इंटरनल कंबक्शन इंजन का जो डायग्राम है, डायग्राम इस टाइप से हम समझ सकते हैं। ये डायग्राम है इसका, रोटरी इंटरनल कंबक्शन इंजन का। इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डायग्राम हमारे पास एक ये डायग्राम है। इस डायग्राम में हमारे पास एक पिस्टन जिसको लिंक वन के नाम से जानेंगे, सिलेंडर लिंक टू, क्रैंक शाफ्ट जो कहे क्रैंक शाफ्ट है लिंक थ्री, और कनेक्टिंग रॉड लिंक फोर है। इस टाइप से इसमें चार लिंक का इस्तेमाल किया हुआ है। कौन कौन सा, एक पिस्टन, पिस्टन है जो कि लिंक वन के नाम से जानेंगे, और कनेक्टिंग रॉड सिलेंडर है जो सिलेंडर को हम लिंक टू के नाम से जानेंगे, कनेक्टिंग रॉड लिंक फोर के नाम से जानेंगे, और क्रैंक शाफ्ट को लिंक थ्री के नाम से जानेंगे। अब इसमें काम क्या करता है, इसमें क्या होता है, आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि पिस्टन है, पिस्टन आपके जो जितने भी रोटेशन रोटरी मोशन में है ये चारों तरफ चिपके हुए हैं, छटे हुए। और इसमें जो सिलेंडर है, सिलेंडर चारों तरफ है, और सिलेंडर और इसमें जो ये जो ड्राइविंग शाफ्ट होती है इसके अकॉर्डिंग अराउंड ये जो इसका सिलेंडर और इसके पिस्टन इस चारों तरफ ये कंटिन्यू ये रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, और इसी में ये वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास एक रॉड के तहत ये क्या करता है, इसको ऊपर नीचे ये इसको खींचता है, तो अप और डाउन इसको टाइप से जब इसको खींचता है यहाँ से प्रेशर लगता है चारों तरफ से, तो क्या होता है, इसमें पिस्टन है, पिस्टन स्लाइड करता है, पिस्टन स्लाइड के कारण ये वर्क करता है कंटिन्यू। तो इसमें हमारे पास पिस्टन वन, जो पिस्टन है लिंक वन है, सिलेंडर है लिंक टू है, क्रैंक शाफ्ट लिंक थ्री है, और कनेक्टिंग रॉड लिंक फोर है, इसके अकॉर्डिंग ये कंटिन्यू वर्क करता रहता है। इसका अगर प्रैक्टिकल डायग्राम देखा जाए तो प्रैक्टिकल डायग्राम इसका ये है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं इसको। ये जो डायग्राम है प्रैक्टिकली इस टाइप से दिखता है, इसमें ये कनेक्टिंग रॉड इसमें अटैच है पूरा, और इसमें हमारे पास ये सिलेंडर है, सब चारों तरफ ये सिलेंडर का काम है। इस सिलेंडर में इसमें क्या लगे हुए, पिस्टन भी लगे हुए हैं। पिस्टन कैसे लगे हुए इसमें, आपको इसमें इंजन में सिलेंडर में देखोगे आप तो ये आपको सिलेंडर है, ये जो चारों तरफ बने हुए हैं ये सिलेंडर लगे हुए हैं जिसमें कि इग्निशन सिस्टम होता है। अब इसमें क्या होता है, जो पिस्टन होता है, पिस्टन को इसमें हमारे पास जो पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड कनेक्ट होती है एक सेंटर पॉइंट पर जो एक ड्राइविंग शाफ्ट में, जब ड्राइविंग शाफ्ट में जब फोर्स लगता है तो क्या होगा, ये जो जो इसकी पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड
इसको फोर्स लगता है, आगे की तरफ जाएगा और उसके जो तरफ स्लाइड करता है, जिसके द्वारा ये पिस्टन है, पिस्टन कंटिन्यू स्लाइड करता है। स्लाइड करने के बाद इसमें फोर्स लगता रहता है, फोर्स कंटिन्यू, जिसके द्वारा हम इसका काम करते हैं। इसका इस्तेमाल जो हुआ था वो वर्ल्ड वार फर्स्ट में एयरक्राफ्ट के जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए थे उसमें इसका इस्तेमाल हुआ था, रोटरी इंटरनल कम्बक्शन इंजन। इसके एप्लीकेशंस हैं, दी वेंकल इंजन वाज फर्स्ट टेस्टेड फॉर यूज इन ऑटोमोबाइल्स इन 1956। 1956 में वेंकल इंजन में इसका पहला इस्तेमाल हुआ था ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। 1956 में वेंकल इंजन जो होता है उसमें हमने रोटरी इंटरनल कम्बक्शन इंजन का इस्तेमाल हुआ था। इट हैज सिंस कम टू बी यूज फॉर सच इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसका इस्तेमाल हम बाकी के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी करते हैं, जैसे ड्राइविंग एयर कंप्रेसर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वे स्मॉल एंड लाइट वेट हाई स्पीड इंजन विथ सिंप्लिसिटी, मैकेनिक सिंप्लिसिटी आर नीडेड। सी आल्सो गैसोलीन इंजन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस के बारे में हम ये जानेंगे। इसका सबसे पहले ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 1956 में वेंकल इंजन में इस्तेमाल किया गया था, रोटरी इंटरनल कम्बक्शन इंजन का। और दूसरी चीज ये है कि इसका इस्तेमाल हम जनरली इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपको इसमें ड्राइविंग एयर कंप्रेसर में भी इसका इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल स्मॉल लाइट वेट हाई स्पीड इंजन, मैकेनिकल सिंप्लिसिटी और गैसोलीन इंजन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके एप्लीकेशन है, दी वेंकल इंजन वॉज फर्स्ट टेस्टेड फॉर यूज इन ऑटोमोबाइल्स इन 1956। इट हैज सिंस कम टू बी यूज फॉर सच इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एज ड्राइविंग एयर कंप्रेशर, वेयर स्मॉल लाइट वेट हाई स्पीड इंजन विथ मैकेनिकल सिंप्लिसिटी आर नीडेड। सी आल्सो गैसोलीन इंजन। ये इसके एप्लीकेशंस होते हैं रोटरी इंटरनल कम्बक्शन इंजन के।